बॉयज़ ते गर्ल्स दे वास्ते ना आमतौर जो पर एक स्टीरियोटाइप चल रही होंगी है स्टीरियोटाइप की होंगी है हाँ जी हाँ एक तरह के एक ओल्ड थॉट कोई ओल्ड इमेज जिन्होंने आप बोलते हैं कि पुरानी सोच रूढ़ीवादी सोच अक्सर ही कह जाता कि गर्ल्स के लिए आर्ट्स ते बॉयज़ के लिए साइंस मैथ वगैरह की अगर ना असी कोई हॉलीवुड की मूवीज देखिए ना चाहे अपनी बॉलीवुड की मूवीज देख लो जिहड़े साइंस वाले जां जिहड़े हीरो बखाए हुंदे नेगे हीरो ऑफ द गैलेक्सी हीरो ऑफ द अर्थ जां हीरो ऑफ द प्लैनेट मेल हुंदे नेगे अगर कोई जिवें एक ट्रांसफॉर्मर तरह की मूवी आई उहदे विच भी मेल है गर्ल्स नूं किस तरह रिप्रजेंट किया जाता मीडिया के जां आम सोसाइटी दे विच कि गर्ल्स गल गल दे उपर आउंदियां नेगियां है ना जां वो किसी ने इमोशनल कर लैंदियां नेगियां वो तो इस तरह की इमेज विखाई जाती है वही गल कि मेल नूं एक आइडियल हीरो ते फीमेल नूं एक कंसोल करन वाला ह्यूमन बीइंग दिखाया जाता खैर इवन ही चीज़ सारा टॉपिक नहीं है बट इहदे नाल रिलेटेड साडा टॉपिक बन सकदा है टॉपिक साडा अज दा की है कि बॉयज गर्ल्स दे कंपैरेटिवली बॉयज ने जो गर्ल्स दे कंपैरेटिवली ज्यादा साइंस पढ़ते हैं खैर अज की आप सोसाइटी विच देखिए तो झूठ है गर्ल्स ज्यादा साइंस सबजैक्ट चूज कर दिया ने बॉयज दे कंपैरेटिवली बट सारा अगर टॉपिक आ गया आप अज की गल नहीं करा अपना टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अपने रीजन देने कि सोल्यूशन देने सब तो पहली गल तो रीजन की गल नहीं करिए सोल्यूशन तो बाद की गल है सुन के टॉपिक समझ आ गया पर प्रॉब्लम की आती है प्रॉब्लम यही आती है कि मैं लिखा की मैं रीजन की हो सकता है कि बॉयज क्यों लेंगे नहीं कि साइंस हूँ जरा कि लड़का तो सोचू मैं तो साइंस ले ही नहीं जिंद को साइंस नहीं है तो मैं की लिखा इतने तो हम थोड़ा जहा सोचिए आप बॉयज एंड गर्ल्स ऑफन डिफर डिफर का मतलब होंगे वक्ो वक्र अलग इन वट दे आर ड्रॉन टू यह एक फ्रेजल वर्ब है एंड वट दे फाइंड ईजी और डिफिकल्ट एक जनरल आइडिया है ये किसी एक दे फेवर दे विच नहीं लिखा है कि लिखा है कहने बॉयज ते गर्ल्स अक्सर ही उन्होंने डिफरेंस होंगे गा कि वट दे आर ड्रॉन टू कि उन्होंने की पढ़ना गा किस सबजैक्ट वाल वो ज़्यादा खिंचे जाते हैं कि किड़ा वो ज़्यादा इंट्रस्टिंग जहाँ लगता है एंड वट दे फाइंड ईजी और डिफिकल्ट तो उन्होंने की सौखा लगता की औखा लगता है सो हमेशा कदे नहीं कह सकते कि बॉयज सारे इको ही तरह के सबजैक्ट पसंद हो गए तो गर्ल्स सारे इको ही तरह पसंद हो गए सो फस्ट पॉइंट चाहे ये वाले पॉइंट को कंकलूजन के भी लिख सकते हो पर एक मैं जनरल पॉइंट लिखा गया एक की लिखा गया कि बॉयज ते गर्ल्स अक्सर ही उन्होंने जो एटीट्यूड है उन्हों का नजरिया है आउटलुक है उन्हों की वह वक्ो वक्री होंगी है कि कॉन्टैक्स के इस कॉन्टैक्स में कि वह किस सबजैक्ट वाल किस स्ट्रीम वाल ज़्यादा खिंचे जाते हैं जो की सौखा तो की ज़्यादा औखा लगता है नंबर वन पॉइंट नंबर टू हूँ आप मेन चीज़ के उपर आ गए मोर बॉयज दैन गर्ल्स डिवेलप एंड अर्ली इंट्रस्ट इन साइंस एंड टैक्नोलॉजी हमें जो अर्ली इंट्रस्ट है काफ़ी वधिया इंट्रस्टिंग वर्ड है गया की फर्क है देखो बॉयज ना पहले ही पता लग जाता कि मेरी कि स्ट्रीम वधिया है इसलिए जदों किसी भी स्ट्रीम के इंट्रस्ट गेन करने की गल आती है कि तो बॉयज गर्ल्स के नाल पहला आते नहीं एक कॉग्निटिव स्किल है एक तरह की यह बिल्कुल इदा की गल है कि बॉयज को जल्दी पता लग जाता कि मैं कि स्ट्रीम के जाना गा गर्ल्स थोड़ा जहा कन्फ्यूज होंगे ने कि मैं आ करा जो मैं वो करा तो इतने गल प्लीज याद रखियो कि बॉयज को अर्ली इंट्रस्ट बॉयज को पहला ही पता लग जाता है गर्ल्स के कंपैरेटिवली कि उन्होंने साइंस या टैक्नोलॉजी में इंट्रस्ट है या नहीं है तो जिदा स्टार्टिंग की पता लग जाए इंट्रस्ट उन्होंने अगर स्टडी करना भी आसान हो जाता समझना आसान हो जाता पॉइंट नंबर वन मेनली इतों स्टार्ट हो जाता इस बार की है वर्ड ऑफ साइंस इज ऑफन डिपिक्टड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपिक्टड बयान करना एक्सप्रेस डिस्क्राइब सो डिपिक्ट का मतलब डिस्क्राइब एक्सप्लेन कह सकते हैं डिस्क्राइब एज अ मैनस वर्ड मैं पहले भी थोड़ा गल करके हटियांगा अक्सर इन्हें चाहे मूवीज देख लो जा वैसे अपने घरे गल कर लो अगर गल करा पायलट बनना गा तो ध्यान च बॉय आएगा कि लड़का वधिया पायलट बन जाएगा लड़की नहीं बनेगी चाहे कितना मर्जी डिवेलप वर्ड हो चुके हैं पर फिर भी यह एक जो स्टीरियोटाइप है ना कि वर्ड ऑफ साइंस साइंस का जो संसार है वह सिर्फ तो सिर्फ अज भी मैनस वर्ड बिखाया जाता कि सिर्फ आदमी का
आदमी का इंट्रस्ट है। सो जो भी कोई साइंस ना रिलेटेड कोई चीज आती है, चाहे वो रोबो बनाने की गल आती है, जिन्हें भी रोबोट बनाए ने गे वो सारे जरा नाम दिता गया मोस्टली उन्होंने मेल नेम दिता जाता है। रोबो बनाने वाले कौन होंगे? वो भी आदमी होंगे। कहते दिखाया भी एक लेडी ने एक रोबो बनाया, हो सकता बनाया होगा पर उन्होंने इन्ना ज्यादा प्रेजेंट नहीं किया जाता, उसको नहीं पेश किया जाता सामने, सिर्फ कहता कि मेल ने बनाया गया, तो बनाया भी कि उन्हें मेल बनाया है उसने। ओके उस तो बाद है देर आर स्टिल मैनी नैगेटिव स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मीनिंग मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, एक तरह की माड़ी सोच, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेडनेस, कि तंग सोच या छोटी सोच। सो देर आर स्टिल मैनी नैगेटिव स्टीरियोटाइप्स अबाउट गर्ल्स एबिलिटी इन साइंस एंड मैथ। कहा जाता है कि मैथ के साइंस के जो गर्ल्स नहीं गए उनकी एबिलिटी कुछ ज्यादा नहीं है, क्यों? आम तौर पर कहा जाता है कि गर्ल्स ज्यादा पजल होंगे नहीं, ठीक है जी। पहला बिल्कुल होंगे पर हूं की गल नहीं है, खैर आप अज या कल की गल नहीं कर रहे, ना आप पास की गल कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रेजेंट की गल कर रहे हैं। बट एक गल जरूर है कि मनिया जाता है कि साइंस के मैथ के गर्ल्स की एबिलिटी कुछ खास नहीं होंगी गी। यदा रीजन दे सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना कि गर्ल्स जा बहुत ज्यादा जल्दी एक्सप्रैसिव होने करके, अपनी गल को सामने रखने करके वह इमोशनल हो जाती है कि जब वह किसी भी तरह का प्रैशर हैंडल नहीं कर पाँगी। जिन्ने वे प्रोग्राम होंगे हलवाई की गल करो, कहते घर खाना बना मदर बना लेडीज बना, पर जो बड़ा सारा प्रोग्राम होंगे सारा खाना कौन बना, हलवाई मेल होंगे ने चाहे स्कूटी कार ड्राइव कर लेंदियां ने लेडीज, पर कितनी फीमेल पायलट ने गियां? बहुत रेयर ने, बहुत रेयर, ठीक है जी। कई कारण दिते जांदे कुछ हासी वाले या कुछ लॉजिकल भी, बट ये गल मनी जाती है चाहे मनो चाहे ना मनो। केवल चीज है कि अज का जो वर्ड है अजे भी उहदे विच मेल्स वर्ड ही पेश किया जाता है साइंस वाले वर्ड नूं। और दूसरा की है नैगेटिव स्टीरियोटाइप है, एक नैरो माइंडेडनेस शो की जाती है कि औरतों की या गर्ल्स की एबिलिटी है ही नहीं कि साइंस या मैथ जो किसी है ही नहीं है। जिन्हें भी मैथमेटिशियन ने बड़े सारे मेल दिखाए जाते हैं, फीमेल भी है नहीं, फीमेल भी है नहीं, पर शो नहीं किया जाता, पेश नहीं की जाती है। ईवन टूडे मोस्ट पीपल इंप्लीसिटली, इंप्लीसिटली का मतलब होता है इनडायरैक्टली, जो चीज़ आप डायरैक्टली नहीं गल कहते, इनडायरैक्टली कोई गल समझाने या समझ जाने कहते हैं इंप्लीसिट। Okay, so in even today, most people implicitly associate male with science and female with arts. साड़े करे भी कई बार कहता जाता है अपने घर के भी, इन्हें साइंस लैके की करना, इन्हें साइंटिस्ट बनना गा, इंजीनियर बनना, पायलट बनना गा, इन्हें करना तो कहने भी चूल्हा चौका ही है, जब करना तो इन्हें घर का काम ही है, बात तो की है टीचर बन जाए, ये आही चीज कही जाती है। तो कहते अज भी इनडायरैक्टली लोगों की जी सोच है ना इंप्लीसिटली, मतलब कि इनडायरैक्टली लोग किस चीज़ में जुड़े हुए हैं कि साइंस सॉरी मेल मतलब साइंस ते फीमेल मतलब आर्ट्स। बॉयज हैव मोर कॉन्फिडेंस देन गर्ल्स दैट दे कैन सक्सीड इन साइंस सब्जेक्ट। हाँ कॉन्फिडेंस की गल करिए तो बॉयज के कॉन्फिडेंस नैचुरली थोड़ा ज़्यादा होता है, जे गर्ल्स के पेशेंस होंगे है तो बॉयज के कॉन्फिडेंस इसे कॉन्फिडेंस करके साइंस सब्जेक्ट के बेहतर करते हैं। हूँ एक एक चीज मैं जरूर कहूँगा तो तुम अग्री भी करोगे, जे बॉयज होंगे ने अज के टाइम मैं गल करा साइंस स्ट्रीम न, अगर 20 गर्ल्स ने 20 के हार्डली 7 or 8 बॉयज होगी गर्ल्स कंपेरेटिवली, पर जो 7 or 8 बॉयज होगी उन्होंने जो रिजल्ट होगा लाइफ के सक्सीड होने का गर्ल्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉयज़ की क्वालिटी होंगी है कि वो जो तो साइंस या मैथ लेंदे ने, पहले तो लेंदे नहीं गए, अज की गल मैं करा लेंदे नहीं, पर जो लेंदे ने समझ के काम करते हैं गे, तो देखिए जेडे भी बच्चे साइंस मैथ वाले बॉयज़ होंगे ने गे वो लाइफ के सक्सैसफुल हो ही जाते हैं, वधिया जॉब के ऊपर बहुत हैं। जो गर्ल्स ने गिया उन्होंने कि जॉब ज़्यादातर सुटेबल जॉब वाली साइड जाती है गर्ल्स, जिमें टीचर की जॉब जिन्हें टीचर लगती ने गिया, अगर 1000 टीचर लगे वे गर्ल्स ज्यादा होंगे नहीं, तो जो कोटा हटा दें कि जिन्हें मर्जी आ जाए तो 60-70% गर्ल्स हो बॉयज़ वे हार्डली 20-30% हो, क्यों? क्योंकि चीज़ छोटे होंगे दिमाग से बिठाई हुई है कि आर्ट्स मतलब फीमेल है,
गलत है नहीं, वो जॉब ज्यादा सुटेबल जी सिटिंग हो एक जगह के उपर हो गए जी बैंकिंग लाइन आ गई, ता करके साइंस ते मैथ वाला फील्ड जिहड़ा हैगा ओपन फील्ड हैगा, दूर दूर जाना पैंदा, ता करके पेरेंट्स छोटे हुंदे तों बच्चे नूं कहण लग जांदे ने कि तेरे वास्ते साइंस वधिया हैगी, अगर इंजीनियरिंग करनी हैगी इंजीनियरिंग करके जॉब लैनी है तां बाहर जाके करनी है, इसलिए तेरे लिए इह स्ट्रीम ज्यादा वधिया हैगी। सो पेरेंट्स ज्यादा जिम्मेवार ने इस चीज़ दे विच इस तरह के माहौल बनाउंदे ने। ठीक है, समझ गए रीजन की ने कि क्यों बॉयज गर्ल्स से कंपैरेटिवली ज्यादा करते हैं। असीं इहदे विच इह नहीं कहा वी इंटैलीजेंट कौन ज्यादा हैगा, नहीं इंटैलीजेंट की गल नहीं, इंटैलीजेंट दोनों ने गे, पर इसके रीजन दसे ने गे, एक तो फैमिली प्रैशर करके आ गया, एक माहौल इदा का सर्जा गया क्रिएट किया गया जिसे लगता ही है कि बॉयज वास्ते ठीक है गर्ल्स वास्ते ठीक है। चलो जी हम आप सोल्यूशन की गल करिए, रीजन तो बहुत आ गई। सब तो पहली बारी आ गई स्कूल की, स्कूल शुड एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू डिवेलप देयर स्पेशल एंड वर्बल स्किल्स। ये जो दोनों वर्ड ने कले साइंस इस नहीं है कि मैथ वास्ते स्पेशल एंड वर्बल स्किल्स के स्पेशल स्किल्स होंगे ने गियाँ, जिम्मे विजुअलाइज करना किसी चीज़ में वेख्या वेखनुसार ऑर्डरिंग कर लेना मन के कि भी यदा आंसर आया अनुसार यू आप कर सकते हैं यू आप कर सकते हैं। जिदा होमवर्क जो नहीं किया हों एक स्टूडेंट के कुट पै रही होंगी दूसरा खड़ा हों जिन्हें काम नहीं किया होमवर्क वो सोच रहा मैं हम की कह मैं कि बहाना लावा तो वह माहौल अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करता है तो उन्होंने स्पेशल स्किल कहा जाता है। कल वाला टॉपिक आप क्लासरूम डिस्कस किया कि कई बच्चे ना क्लासरूम के वधिया स्टडी नहीं कर पाते तो की सल्यूशन है जो स्टूडेंट अपने गलतियों को खुद एनालाइज करता है सेल्फ स्टडी करता है मतलब उस स्पेशल स्किल्स है नहीं है सो लोड के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना समस्या को देखना तो अकॉर्डिंग अपने आप को मोडीफाई करना उन्होंने कहेंगे स्पेशल। तो वर्बल स्किल्स में क्या गया जी बोल के होंगी है जिम्मे आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं मैं सब डिस्कस कर रहे हैं मेरे तो अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो दिस इज वर्बल स्किल। सो सब तो ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए यही वाली स्पेशल एंड वर्बल स्किल्स डिवेलप करना तो स्कूल चाहिए गा कि बच्चे पार्ट उन्होंने कंपेरिजन करना कि तेरे लिए साइंस ज्यादा वधिया तेरे लिए मैथ ज्यादा वधिया तेरे लिए आर्ट्स ज्यादा वधिया तेरे लिए कॉमर्स ज्यादा वधिया क्योंकि जगह के उपर इन दोनों चीज़ों के उपर काम करने एनकरेज करना। पॉइंट नंबर टू हूँ आप गल करते हैं पेरेंट्स की, स्कूल की गल होगी पेरेंट्स की रीइनफोर्स ना हो। देखो ना आप कई बार आप घर कहने कि बच्चे जो धक्का कर रहे धक्के की इंग्लिश ना फोर्स लिखते हैं फोर्स नहीं होंगे है फोर्स तो ताकत होंगी है एक तरह का जोर होंगे है जोर पाना कहना रीइनफोर्स। ठीक है फोर्स सो पेरेंट्स शुड अवॉयड रीइनफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स। बच्चे के उपर ना धक्का करना बंद करना चाहिए है अवॉइड करना चाहिए है उही जी पुरानी सोच है कि तू आई नहीं करना तू आ चीज करनी है वो चीज बंद कर देनी चाहिए है। जिस तरह के आना एक छोटा जहा मैं ईडियम लिखे है ईडियम तो चलो कह भी सकते हैं तो इनफॉर्मल है बट एक बार जो आप यूज कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होनी। एक बार आ कैमिस्ट्री सैट टू टॉम कहते ना वो चीज जी सोच है ना वो छड़ लेनी चाहिए कि टॉम के लिए कैमिस्ट्री सैट तो लूसी के लिए एक डॉल। जो छोटे होंगे होंगे आप भी नहीं करते हैं जे लड़की हैगी बच्चे वास्ते लै गया ना आपकी लैके आप डॉल लैके जावे कपड़े लै जाएंगे आप मुंडा है मुंडे वास्ते आप डॉल नहीं आप वास्ते कोई ना कोई खेड लै जाने गे ज्यादातर अपने एरिए चलता है कि आप वास्ते छोटी जी गन लै जाने है ना रिवॉल्वर टाइप वो लै जाने है तो बच्चे वास्ते फुटबॉल लै जाने आप बैडमिंटन लै जाए पर कुड़ी वास्ते ध्यान तो की लैके जाइए भी ड्रैस लै जाओ या फिर एक डॉल लै जाओ तो वही चीज दिखती है कहते सू इस चीज़ को बाहर निकलना पड़ेगा कि टॉम के लिए कमिस्ट्री सैट इतने साइंस वाली गल आ गई तो लूसी के लिए डॉल डॉल की गल इतने आ गई जिम्मे आर्ट्स नाम लिख गॉट इट। सो यू आप इसमें एज इट एज लिख सकते हो पर एक्सप्लेन जरूर करियो। उस तो बाद यूनिवर्सिटी साइंस डिपार्टमेंट्स नीड टू एनश्योर ये गल पक्की करनी एनश्योर यकीन बना गा दैट विमेन आर नॉट अंडर रिप्रजेंटेड कि औरत अंडर रिप्रजेंटेड नहीं है मतलब जिम्मे कहना हमारी कहते हैं मूवी के हमारी शोरी और शोरों से कम ना ना दंगल मूवी के शायद कहते होंगे उही गल है कि अंडर रिप्रजेंटेड मतलब रिप्रजेंटेड भी इन्हों भी करना गा अंडर रिप्रजेंटेड नहीं है मतलब यह किसी को घट नहीं है। सो यही चीज़ा यूनिवर्सिटी साइंस डिपार्टमेंट को समझनिया चाहिए ने कि गर्ल्स किसी तो भी घट नहीं है अगेन एक्सप्लेन करना तुम। हाँ जी नैक्सट पॉइंट की है वी नीड टू रिमैबर दैट गर्ल्स जनरली डू एज वैल एज और ईवन आउट परफॉर्म बॉयज इन साइंस क्लास वर्क। ये गल बिल्कुल सच हैगी अज की गल ही हैगी कहने ये गल सू याद रखने की लड़ की है कि गर्ल्स
ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਬੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਆਊਟ ਪਰਫਾਰਮ? ਆਊਟ ਪਰਫਾਰਮ ਮੀਨਸ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੋਇਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਇਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ, ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਨਹੀਂ, ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੋਰ ਵਰਕ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਟੂ ਟੈਕਲ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗਰਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਰਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰਡ ਨੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਕਟ, ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗਰਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਮਝਣਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੋਆਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੋਆਇਜ਼ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲਿਖ ਦਿਉ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਲਿਖ ਦਿਉ, ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ।